बड़ो कृष्ण मंदिर है और 8वीं शताब्दी का है, 1300 साल पुराना और ये सबसे पुराना मंदिर है। इसको कत्यूरी राजाओं ने बनवाया। ये कौन सा मंदिर है? ये महामृत्युंजय का मंदिर है। इसके बारे में बताइए। ये महामृत्युंजय यहाँ बताते हैं, यहाँ पर सप्त ऋषियों ने यहाँ पर वो करते क्या करते थे, तो यज्ञ क्या करते थे, तप क्या करते थे और घोर तपस्या की थी उन्होंने। यहाँ पर पूरे विश्व में एक ही मंदिर माना गया है महामृत्युंजय का इसके अंदर। और बताते हैं कि यहाँ ऋषि मुनि लोग जो भी तपस्या किया करते थे। आगे यहाँ से आधा किलोमीटर दूर उसका मंदिर है, दंडेश्वर महाराज का। आपने सुना होगा दंडेश्वर, देखा होगा इधर को आते वक्त। तो वहाँ बताते हैं कि जब यहाँ पर यज्ञ किया करते थे तो मुनि लोग, तब उनको यहाँ से उनकी मतलब वो लोग उनकी छाती मतलब वहाँ आगे जंगल है वहाँ घोर, वहाँ पर लकड़ियाँ लेने गई थी। तो वहाँ से वो स्वयंभू से एकदम कैलाश से आई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्वती ने कहा कि उनको तुम वहाँ जाओ, उनको वो घोर तपस्या कर रहे हैं और उनको वरदान दो। तो वो वहाँ पर दंडेश्वर में पहुँचे तो वहाँ पर वो लकड़ियाँ तोड़ रही थी। वो एकदम उन्होंने सोचा कि एकदम ये एकदम सुंदर पुरुष ये पृथ्वी पर कहाँ से आया, इतने महान पुरुष कहाँ से आए। वो कुछ लोग मूर्छित हो गए यहाँ पर और कुछ वहाँ पर वो होगी उनके साथ नाचने लगी। तो जब यहाँ से गए ऋषि मुनि लोग, उनको बहुत रात हो गई थी तो वो गई उनको ढूंढने के लिए। तो बताते हैं कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि उन्होंने शिव जी को दंड दे दिया और दंड दिया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लिंग विच्छेद हो जाए। और उसी दंड के कारण वहाँ का नाम दंडेश्वर पड़ गया। यह है यहाँ 8वीं शताब्दी से पहले मंदिर यहाँ पर इनने जागृत अवस्था में थे शंकर भगवान, यहाँ का नाम जागेश्वर पड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी से पहले यहाँ की जो पूजा किया करते थे वो सप्त ऋषि लोग किया करते थे। 8वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर उल्टा सुल्टा जो भी बोलते थे वह हो जाता था। 8वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। उन्होंने देखा कि आने वाले भविष्य में लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुँचा देंगे। अपने मंत्र के द्वारा इस मंदिर की जो असली शक्ति है उसे बंद कर दिया। इसकी असली शक्ति जो है 6 फीट नीचे है, असली शक्ति जो है 6 फीट नीचे है। अभी यहाँ पर उल्टा सुल्टा जो भी बोलते हैं अब तो वैसा नहीं होता है। फिर भी यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप किया जाता है, जैसे काल सर्प योग की दशा के लिए 99 प्रकार की अल्पी मृत्यु होती हैं उनके निवारण के लिए महामृत्युंजय का जाप होता है यहाँ पर। भट्ट, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ मंदिर में पूजा करता हूँ। कब से? मैं सन 1997 से। चलिए और मिलते हैं। आइए जी। ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैं पुष्टि माता के मंदिर में ले जा रहा हूँ आपको। ये महिषासुर वर्दिनी के रूम में है यहाँ पर माँ। इन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का जो है वध किया था। इनके बगल में दाहिनी सूंड वाले गणेश जी भी हैं। महिषासुर वर्दिनी के रूम में यहाँ पर माता हैं। इन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का जो है वध किया था। बगल में जो है सिद्ध विनायक गणेश जी हैं। वैसे जो है गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर को मुड़ी रहती है, इन्हें बाईं ओर को मुड़ी रहती है, इनकी सूंड जो है दाहिनी ओर को मुड़ी है। इस मंदिर का जो निर्माण है कत्यूरी राजाओं ने किया हुआ है। इसकी जो शक्ति है, जो इसकी लिंग स्थापना है वो तो अनादिकाल की है। जो मंदिर का निर्माण हुआ है 8वीं शताब्दी में हुआ है, एक कत्यूरी राजाओं ने बनाया हुआ, कुमाऊं के राजा थे। महादेव का मंदिर है। बताते हैं कि द्वापर युग में शंकर भगवान ने विष पी लिया था। विष पीने से जब समुद्र मंथन हुआ तो शंकर भगवान ने विष पी लिया था। विष पीने से जो उनका गला था नीला पड़ गया था, वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा हुआ है। ये सूर्य मंदिर है। जो इसकी स्टैचू है मूर्ति वो म्यूजियम में रखी हुई है। कौन सी म्यूजियम है? म्यूजियम है बाहर से, आर्कियोलॉजिकल का म्यूजियम से है। यहाँ पर आज मेरे को हो गए 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो केवल आप हनुमान जी के मंदिर के पास ही रहते हैं? हनुमान जी भी है, जागनाथ की भी बारी आती है। अच्छा अच्छा, और ये अगले मैंने जागनाथ की बारी आती है। ये तो सबका बारी बारी से आता है क्या? हाँ जी, बारी बारी से आता है। ये हनुमान में तो बाल में मेरा ये है और जागनाथ की बारी आती है हर बार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? धन्यमणि भट्ट। अच्छा जी, धन्यवाद। का मंदिर है जो यहाँ की पूजा होती है, जागेश्वर मंदिर के ही नाम से चलती है। यहाँ से ही भोग पूजा शुरू होती है। पूजा का जो है प्रारंभ यहीं से होता है और मंदिर का भोग व्यवस्था भी यहीं से शुरू है। यहाँ पर प्राचीन कथा से चली आ रही है कि कहावत चली आ रही है,
जब किसी को कोई अल्प मृत्यु आ जाती है, काल सर्पियों की दशा आ जाती है, 99 प्रकार के अल्प मृत्यु होती है, उसके निवारण के लिए महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। जो ये लोग बैठे हैं इन्होंने भी पहले यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप किया, उसके बाद में हवन होता है। यहाँ पर 11,000 जाप होता है, 11,000 से 25,000 तक जाप होता है। यहाँ पर 11,000 में तो हवन नहीं होता है, 23,000 से हवन शुरू होता है। नारेश्वर के रूप में है यहाँ पर शंकर भगवान, आधा शिव आधा पार्वती, और यहाँ के जो देवदार के पेड़ हैं ये भी अर्धनारेश्वर के रूप में, नीचे से एक है ऊपर से दो, ये भी अर्धनारेश्वर के रूप में, यहाँ के देवदार के पेड़ भी अर्धनारेश्वर के रूप में, तब यहाँ का नाम नागेशम द्वारका वन है। नीचे से तो एक है, ऊपर जाके दो हैं, शिव और पार्वती के रूप में बढ़ चुके हैं पेड़। दो नंबर वन ये है, नंबर दो वो भी ऐसी है। हाँ जी, वो भी ऐसी है। मोटाई में ज्यादा है या ऊंचाई में ज्यादा है? इसकी ऊंचाई अधिक है और उस पेड़ की गोलाई अधिक है। आगे यहाँ पर शिव जी के जटाओं से, मतलब नेचुरल जटाओं से पानी निकलता है इस गंगा में। करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, शिव जी के जटाओं से निकलता है ये पानी। मूर्तियाँ थी या सूर्य मंदिर या नवग्रह हो, इस टाइप की जो भी मूर्तियाँ थी पूरी बंद इसी मंदिर में थी पहले, अब तो वो म्यूजियम में रख दी गई है वहाँ पर। केदारनाथ उन्होंने शंकर भगवान ने पांडवों को छनने के लिए भीष्म का रूप धारण किया था। उन्होंने सोचा कि मुझे पांडव पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं। भीम ने उन्हें पहचान लिया, भीम उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े तो शंकर भगवान नीचे जमीन में धस गए, उनका सिर कट के पशुपतिनाथ नेपाल में चला गया और यहाँ धड़का भाग रह गया। जैसा शिव केदारनाथ में धड़का भाग है ज्योतिर्लिंग में, वैसा ही इधर पर भी है। पुराने मंदिर है तांडेश्वर हो गया और लोकलिशा मंदिर, यह मंदिर द्विगुण चैत्य शैली के मंदिर है, सबसे पुराने मंदिर है। सबसे पुराने मंदिर यही बनाए गए थे मॉडल के रूप में। इन मंदिरों को देखकर और अन्य मंदिर बनाए गए हैं, सामने से बनाए गए इन फ्रंट। ये दो मंदिर लोकलिशा मंदिर और तांडेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर तांडव नृत्य पर है शंकर भगवान और ब्रह्मा विष्णु, नीचे नाग कन्याएं हैं और वो लोकलिशा का मंदिर है। मंदिर की मान्यता ये जो महामृत्युंजय का मंदिर आपने पहले देखा, अभी यहाँ पर मान्यता है कि जब किसी को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, औरतें रात भर हाथ में दिया लेकर खड़ी रहती हैं, तो 1 साल के बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। श्रावण के महीने में हो गया, शिवरात्रि के पर्व पर हो गया, यहाँ पर औरतें दिया लेकर हाथ में खड़ी रहती हैं रात भर। और यहाँ पर किसी को दशा आई हो तो काल सर्प और 99 प्रकार के अल्प मृत्यु होती है, उसके निवारण के लिए यहाँ पर महामृत्युंजय जाप है। महामृत्युंजय का पूरे विश्व में केवल एक ही मंदिर है, मृत्युंजय के तो अन्य और भी मंदिर हैं, लेकिन महामृत्युंजय का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मृत्युंजय के और भी मंदिर हैं, इसका मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षमामृता, इसका यह उत्केलन मंत्र है। जब कोई शक्ति बंद हो जाती है तो उसको खोलने के लिए चाबी होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में यह मंत्र दिया था चाबी के रूप में। जब किसी को कोई अल्प मृत्यु आ जाती है, 99 प्रकार की अल्प मृत्यु होती है, उसके निवारण के लिए इसका जाप होता है और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्य पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षमामृता, इस मंत्र से यहाँ पर जाप होता है, जिसे शंकर भगवान को जागृत किया जाता है। जी हम दिल्ली से आए हैं, यहाँ इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? हमारा एक मोटू दोस्त वो पेड़ का ले लिया इधर मोटे वाले। भैरव का मंदिर, यहाँ पर जब और मंदिरों के दर्शन करके, शिव जी के मंदिरों के दर्शन करके बाद में यहाँ पर दर्शन होते हैं, और इस मंदिर के दर्शन करके वापस मंदिर में फिर नहीं जाते। तो ये कितने पुजारी हैं इस मंदिर में? इस मंदिर में लगभग 20-25 पुजारी हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग, किसी के 1 महीने आती है, किसी के 17 दिन आती है महीने में,
और किसी के जो प्रधान पुजारी हैं केवल प्रधान पुजारी यहाँ पर पंडित षष्ठीदत्त भट्ट जी हैं जिनकी 12 महीने आती है, साल में 12 महीने हमेशा उन्हीं की बारी रहती है महामृत्युंजय में। एक मंदिर में 2 लोगों की बारी आती है, 2 पंडितों की, एक उस साइड से एक इस साइड से, और उनका जो भी मंदिर में चढ़ावा होता है उसका आधा आधा होता है। आधा मंदिर समिति को जाता है और आधा पुजारी को? नहीं, जो मंदिर का अंदर का चढ़ाव होता है वो मंदिर समिति में नहीं जाता है, वो पंडित लोगों का ही होता है, और जो मंदिर कमेटी में जाता है वो पूरा मंदिर कमेटी का ही होता है, समिति में जाता है पूरा। जो चढ़ावा अलग से देते हैं वो चढ़ाव पंडितों के पास जाता है। अच्छा।